और स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियोज़ मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को आखिरी तक देखें। दोस्तों आज का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है सारे एग्जाम्स के लिए। चलिए तो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला है ये योही ससकावा को, ठीक है, योही ससकावा को मिला है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा आता है। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2015, 16, 17 और 18 के लिए गांधी शांति की पुरस्कारों की घोषणा 16 जनवरी को की गई है। और इसमें दोस्तों आपको याद रखना है कि विवेकानंद केंद्र को 2015 का पुरस्कार मिला, ठीक है, 2015 का पुरस्कार मिला है। और अक्षय पात्रा फाउंडेशन और सुलभ अंतर्राष्ट्रीय को, सुलभ इंटरनेशनल को 2016 का पुरस्कार मिला, ठीक है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन और साथ ही साथ सुलभ इंटरनेशनल को 2016 का मिला है और एकलव्य ट्रस्ट को 2017 का पुरस्कार मिला है, जबकि 2018 किसको मिला है, योही ससाकावा को 2018 के लिए पुरस्कार मिला है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे गांधी शांति पुरस्कारों की बात हो रही थी, मैं आपको बता दूँ इससे रिलेटेड फैक्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी इस पुरस्कार की, 1995 में, ठीक, 1995 में भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वार्षिक पुरस्कार है ये, ठीक है। ये दोस्तों उन व्यक्तियों संस्थाओं को दिया जाता है जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक बदलाव को अहिंसा व मान्य गांधीवादी तरीके द्वारा प्राप्त किया है, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट जरूर याद रखना है। और दोस्तों पहली बार गांधी शांति पुरस्कार 1995 में किसको मिला था फर्स्ट टाइम, तो इसके प्रथम विजेता थे दोस्तों वो थे तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नेरेरे, ठीक है, जूलियस नेरेरे थे, ठीक है। इसमें 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। तो इतने आपको फैक्ट जरूर याद रखना है, साथ ही साथ 2018 का गांधी शांति पुरस्कार याद रखना है योही ससाकावा को। साथ ही एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि विवेकानंद केंद्र को 2015 का मिला है और 2016 का मिला है अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल को, 2017 का मिला है एकलव्य ट्रस्ट को, ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ठीक है दोस्तों कहाँ पर, यूपी में, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 17 जनवरी को प्रयागराज में गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है और यह शिखर सम्मेलन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। देखिए दोस्तों इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है परमार्थ निकेतन, हरिजन सेवक संघ और ग्लोबल इंटरफेथ द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहाँ पर गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है कि यूपी के प्रयागराज, इससे पहले प्रयागराज का नाम क्या था, इलाहाबाद, परिवर्तित हो गया प्रयागराज, ठीक है। चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों सपोर्ट करने के लिए, ये आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, हौसला बढ़ाता है। तो आज का टारगेट लाइक्स है 17,000 का, तो फटाफट वीडियो लाइक कर दीजिए। 16 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग द्वारा VAF शुरू किया गया था, वी का अर्थ क्या है, उसका अर्थ दोस्तों वोटर। देखिए दोस्तों आपको बता दें कि भारत का चुनाव आयोग जो है 16 जनवरी को मतदाता जागरूकता मंच यानी कि VAF यानी वोटर अवेयरनेस फोरम, ठीक, वोटर अवेयरनेस फोरम शुरू किया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि ये मतदाता जागरूकता मंच जो है चुनावी प्रक्रिया के बारे में चर्चा, क्विज प्रतियोगिताओं और अन्य आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रही भारत के चुनाव आयोग के बारे में, तो आपको बता दें चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में, ठीक है। और दोस्तों प्रतिवर्ष 25 जनवरी को ही, क्योंकि इसी दिन स्थापना हुई थी चुनाव आयोग की, इसलिए प्रतिवर्ष चुनाव आयोग द्वारा प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। प्रतिवर्ष नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, तो आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा जी हैं। कौन है, सुनील अरोड़ा जी, ये भी हाल में बने, इसलिए आपको याद रखना है इतने फैक्ट, ठीक है। तो VAF का फुल फॉर्म क्या है, वोटर अवेयरनेस फोरम, ठीक है, तो वी का अर्थ हो जाएगा वोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने 2019 में संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम आयोजित किया? तो किया दोस्तों पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा 16 जनवरी को संरक्षण क्षमता महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया
और सक्षम एक महीने लंबा लोक केंद्रित वार्षिक मेगा अभियान है। ठीक है, देखिए दोस्तों, देश भर में 16 जनवरी से 15 फरवरी तक एक महीने के लिए सक्षम अभियान का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सभी महाद्वीपों 7 सबसे ऊंची चोटियों ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले और सबसे कम उम्र के भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। सत्यरूप सिद्धांत, ठीक है, ऑप्शन है। देखिए दोस्तों, पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धांत ने अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंटेन सिडली पर चढ़ाई की और इस उपलब्धि के साथ वो सभी सभी महाद्वीपों 7 सबसे ऊंची चोटियों और ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले और सबसे कम उम्र के भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने दोस्तों ये उपलब्धि 35 वर्ष और 262 दिनों में दिन की उम्र में उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि 5 इन्होंने जो है पीको डी ओरिजावा पर चढ़ाई की, जो उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सभी महाद्वीपों 7 सबसे ऊंची चोटियों ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले और सबसे कम उम्र के भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? सत्यरूप सिद्धांत जरूर याद रखिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत रबर एक्सपो 2019 के दसवें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया दोस्तों मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो सुरेश प्रभु ने मुंबई में इंडिया रबर एक्सपो 2019 के दसवें संस्करण का उद्घाटन किया है और इंडिया रबर एक्सपो को एशिया का सबसे बड़ा रबर एक्सपो माना जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यह आयोजन भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ मिलने और सहयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, तो कहाँ पर आयोजित किया? भारत रबर एक्सपो 2019 दसवां संस्करण मुंबई में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2019 को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो किया दोस्तों गांधीनगर में। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 जनवरी को गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है और इसमें दोस्तों क्रेता विक्रेता सम्मेलन और विक्रेता विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देने के साथ 25 से अधिक क्षेत्रों के व्यापार प्लेटफार्मों को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और यह देश की अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। और दोस्तों, यह 18 जनवरी 2019 को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 9वें संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2019 को मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये किया गया लंदन में। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल 16 जनवरी को लंदन में लॉन्च किया गया और यह इस चैनल को इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, यह वेब आधारित चैनल पूरे यूरोप, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के 20 से अधिक देशों में दर्शकों के लिए मानवाधिकार मुद्दों को प्रसारित करेगा ये। ठीक है, तो लंदन में किया गया ये मानवाधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविजन चैनल लंदन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया दोस्तों संजय जैन और के एम नटराज को। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय जैन और के एम नटराजन को सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, इससे पहले अप्रैल 2015 में नटराज को दक्षिणी क्षेत्र के लिए इसमें अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था और संजय जैन को 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था और संजय जैन 30 जून 2020 तक ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का पद संभालेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय जैन और के एम नटराज को। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों, कौन सा उपग्रह 24 जनवरी 2019 को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो किया जाएगा कलाम सेट और माइक्रोसेट आर। ठीक है, ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 24 जनवरी 2019 को कलाम सेट नामक एक छात्र उपग्रह और माइक्रोसेट आर नामक एक इमेजिंग उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो और दोनों उपग्रह PSLV C-44 रॉकेट द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। कौन से रॉकेट द्वारा? PSLV C-44 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही इसरो की, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी?
स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। इसके जो वर्तमान में निदेशक है, चेयरमैन है, वो डॉक्टर के सिवान है, ठीक है। फाउंडर कौन थे इसरो के? विक्रम साराभाई। तो कौन सा उपग्रह 24 जनवरी 2019 को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा? कलाम सेट और माइक्रोसेट आर, ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का आंसर। मैंने क्वेश्चन पूछा, पहली बार फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार किसे मिला है? अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है। सभी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया था और काफ़ी डिटेल में लिखा था। अब देख लेते हैं दोस्तों आज का हमारा सवाल क्या है, किससे ऑस्कर वाइल्ड अवार्ड मिलेगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, साथ ही साथ पूरी डिटेल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे। यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखी, जस्ट यहाँ पे जरूर देख लें दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।